वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? यहाँ मेरी मामी आप लोग को हाय बोल रही हैं और मैं जल्दी जल्दी रूम से निकल के आई हूँ। भाई का अभी नवावन हो रहा है और मैंने आधा मेकअप किया आधा नहीं किया है और मैंने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, बस अभी थोड़ा बहुत फेस पे ही मेकअप कर रही थी। और उसके बाद जब पता चला कि हाँ अभी हो रहा है नवावन, तो मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ बाथरूम के बाहर। यहाँ मेरी नानी जी भी आ गई हैं, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, साइड में खड़ी हैं, आपको दिख रहा होगा। तो अभी छोटी मामी और मेरी नानी जी अभी आई हैं और यहाँ पे बातें हो रही थी कुछ साड़ी वाड़ी की। मामी की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, वही मैं वो बात कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गई है नवावन की रस्म। मम्मी जो भी पहले स्टार्टिंग में जो रस्म होता है वो सब मम्मी कर रही हैं, उसके बाद सब भाभी या फिर मामी लोग मिलके और फिर भाई को नहलाएंगे। ध्यान से देखी हूँ ना, तो देखी यहाँ पे जो भी रस्में करनी थी वो मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अभी मैं लहंगा पहन ली हूँ लेकिन पिनअप वगैरह दुपट्टे का नहीं की हूँ, वैसे ही आ गई क्योंकि ये रस्म करनी ज़रूरी थी। यहाँ पे छोटी भाभी कर रही हैं अभी और भाभी लोग बहुत ही, यहाँ पे जब स्वीट्स खिलाना होता है ना तो ललचा ललचा के खिलाती हैं। Bye.
बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर। बाहर रथ भी आ चुका है और यहाँ भाई अब तैयार होगा। उससे तैयार होने से पहले नाखून वगैरह काटा जाता है, पैर को आलता लगाया जाता है। जब भी लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, पैर में आलता वगैरह लगता है। और यहाँ पे इमली भी घुटाया जाता है, जैसे मामा जी लोग आए हुए हैं वो लोग इमली भी घुटाएंगे। यहाँ पे पीछे मेरी नानी बैठी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो शॉल ओढ़ी हुई है ना वो मेरी नानी है। उनकी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी आई हैं वो। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लिप लेने आई थी, सोची कि मैं कैमरा लगा देती हूँ और थोड़ा बहुत शूट होता रहेगा। तो यहाँ पर पीछे मामा जी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी हैं भाई के पीछे, क्योंकि भाई का जो पैर है वो अभी रंगा रहा है और साथ में नेल वगैरह भी कर होगा। तो ये सारी रस्में बहुत ही ज़रूरी होती है, मतलब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं दिखाई हूँ, थोड़ा सा कट कट कर दे रही हूँ। और पीछे यहाँ पे नानी बैठी हुई है, नानी के बगल में मेरे बीच वाले मामा जी, उनके बगल में मेरे बड़े वाले मामा जी और छोटे वाले मामा जी भी हैं कहीं, मैं उनको भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आगे फिर वीडियो में ना आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही पहचान जाओगे। यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी कि अच्छे से हो जाए, फिर मैं अंदर थोड़ा सा जाऊँ तैयार होने के लिए। अब और यहाँ पे रस्में चल रही हैं और मेरे पास ये कमेंट आए हैं कि मैंने अपने देवर की शादी में इतने अच्छे से वीडियो क्यों नहीं बनाई थी। बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। तो वो एक्चुअली क्या था ना, ससुराल में थी और ससुराल में कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो फिर मेरा वीडियो नहीं बन पाता था, बहुत ही मैंने कम बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सकते हो ससुराल और मायके में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे मेरी नानी जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, यहाँ पे आप पीछे उन चेयर पे बैठी हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा मुझे हेयर स्ट्रेट करने हैं, वो भी मैं ढंग से नहीं कर पा रही थी। पिन यहाँ पे मैं लगा और यही वाला मैंने लहंगा लिया था जो मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि चंडीगढ़ से आने के एक दिन पहले मैं लेके आई थी। और इसके साथ मैंने वीडियो बनाया है, इसके साथ मैं ज्वेलरी क्या डालूंगी, कैसा लहंगा है, आप लोग बोलोगे तो मैं उस वीडियो को भी बाद में शेयर कर दूंगी या फिर अपने सेकेंड चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। इसके साथ मैंने चूड़ा जो लिया था, जो कॉम्बिनेशन मैंने इसका बनाया था लहंगा का, वो मैं आपके साथ अगर बोलोगे तो शेयर कर दूंगी। बड़े मामा जी मम्मी के सर पे साड़ी रख रहे हैं, तो यहाँ पे इमली घुटाया जाता है लड़के को, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ मेरे बीच वाले मामा जी आए हैं, वो भी साड़ी रख रहे हैं मम्मी के सर पे। और
और यहाँ पे आगे की रस्म स्टार्ट हो रही है और ये भी अभी रेडी हो चुके आ चुके हैं और मेरा छोटा भाई वो पीछे खड़ा है, उसको तो बस फ़ोन आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे आज काम भी थे। और ये जो साड़ी है वही मम्मी दी को बोल रही थी कि अंदर ले जा के रख दो, क्योंकि फिर ये साड़ी ना पहनना होता है, मम्मी पहनेंगी बाद में। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस अब बारात निकलने की देरी है और भाई अभी तैयार होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि जो उसका तैयार होने वाला वीडियो है मैं उसको सेपरेट कर देती हूँ, अलग कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये वाला वीडियो ना 14-15 मिनट वैसे ही हो गया है और फिर आगे भी लंबा होगा। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे मेरे भाई की शादी की ब्लॉग, और आप लोग को पसंद भी आ रहा है क्योंकि मेरे को बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पर भी आ रहे हैं मैसेज। मैं इनसे पैसा भी लेने के लिए गई थी क्योंकि यहाँ पे ना पैसा दिया जाता है और मुझे मालूम नहीं था कितना क्या दिया जाता है, तो मैं इनसे पूछती हूँ तो ये बोलते हैं कि तुम्हें जितना मन हो, फिर मैं बोली कि दे दो, फिर मैं मम्मी से पूछी, यहाँ बड़ी मम्मी से पूछ रही हूँ कि बड़ी मम्मी कितना मुझे देना होता है, यहाँ नानी जी अंदर जा रही हैं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बस आ गई वहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें कि वो आ गई हैं। और यहाँ पे फिर मम्मी से मैं पूछ रही थी तो मम्मी ने बोला कि जितना मर्जी उतना दे दो, मतलब यहाँ पे देना ज़रूरी होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे भाई तैयार होने जा रहा है और यहाँ पे जीजू लोग ही कपड़े पहनाते हैं, तो ये भाई के कपड़े लेके आ गए थे, उसकी मोजरी और शेरवानी और जो टोपी होता है। पीछे मेरे छोटे वाले मामा जी बैठे हुए हैं जो अभी तक आपको वीडियो में नहीं दिखे थे, और साइड में जो रेड साड़ी पहनी है वो मेरी छोटी मामी है। Mama, take care.
और यहाँ देखिए परी खड़ी है और परी ने परी ड्रेस पहन लिया है और साथ में जो पिंक ड्रेस पहनी है वो मेरी मामी की लड़की है, छोटी मामी की, जो मामी खड़ी है साइड में रेड साड़ी में और मामा जी छोटे वाले खड़े हैं और यहाँ पे उनकी दो बेटियाँ हैं और तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा वीडियो शेयर करूँगी बारात निकलने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, 20 मिनट अब आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे भाई का मेकअप तो कुछ नहीं, बस फेस पाउडर वगैरह वहीं सब करना था तो दी और मैं कर रहे हूँ, और कपड़े तो वो पहन लिया है, अभी जूता और जो उसके टोपी है वो पहनाना रह गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और मेरा भाई बन गया दूल्हा और अब बस निकलने वाली है बारात। बहुत ही मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।